व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू द 17th एपिसोड ऑफ बेलज़ेबुब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज हम लोग क्या करने वाले हैं सब लोगों को पता है। जी हाँ, हम लोग कमेंट्स रीड करने वाले हैं। तो पहला जो सवाल है ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो आज की वीडियो में भी दो भाइयों ने मुझे ये सवाल पूछा है और इन दोनों का नाम है वाहिन और रिद्धिश। और देखो, अगर मैं आप लोगों का नाम गलत स्पेल करता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, आप दोनों का नाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आप लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा है कि आप कौन सा ऐप या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वीडियो एडिट करने के लिए, और आप फोन और या पीसी से वीडियो एडिट करते हो। तो देखो, मैंने जब पहली बार पीसी में एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोला ना, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने बोला क्या है ये, मैं छोड़ दूंगा एडिटिंग। तब इसे मैंने पीसी में कभी भी एडिटिंग नहीं की, तो मैं 2 साल से फोन से एडिट कर रहा हूं। और अगर आप एक बिगिनर यूजर हो तो फोन से एडिट करो, मस्त मस्त ऐप है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, तो देखो मुझे एक दो सॉफ्टवेयर से मेरा काम नहीं चलता, मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वीडियो एडिट करने के लिए। उनमें से बेसिक जो सॉफ्टवेयर है मैं वो उनके नाम ले लेता हूँ। तो ऑडियो एडिट के लिए मैं लेक्सस ऑडियो एडिटर और सुपर साउंड नाम के दो ऐप है, उन दोनों को यूज़ करता हूँ। और वीडियो एडिट करने के लिए मेरा 60% काम फिल्मोरा गो कर देता है और 40% काइन मास्टर कर देता है। इन चारों ऐप को अगर यूज़ करोगे आप लोग तो आपका वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। और सेकेंड कमेंट करता है डेड शॉट भाई ने कहा है, रियली यू आर बी लाइक फुरुचि। सीरियसली ब्रो, तुझे ऐसा लगता है कि मैं फुरुचि की तरह हूँ? तुम लोग कमेंट सेक्शन में मजे ले रहे हो ना, ठीक है करो करो, लेकिन मैं भी तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। तुझे कैसे पता कि मैं फुरुचि जैसा हूँ? तू भी ऐसा ही है ना, बता। और थर्ड कमेंट करता है झोंटू विशेष, और भाई के कमेंट देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे कीबोर्ड में इतने सारे इमोजीज भी एग्जिस्ट करते हैं। इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था, भाई ने एक भी इमोजी को नहीं छोड़ा। और ये 3 क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में पिक किया है, मैं सबके कमेंट्स पिक नहीं कर पाया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सारे के सारे कमेंट पिक करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके कमेंट्स भी अगली वीडियो में आ जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डीमन वर्ल्ड दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर का है डीमन वर्ल्ड, और चारों तरफ से बिजलियाँ गिर रहा है। और उसके बाद डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है कि वो अपने एक फेलो डीमन को कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड पे क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि वहाँ पर समर वेकेशन चल रहा है। और उसके बाद ये जो डीमन लॉर्ड होता है वो बेलज़ेबुब के लिए एक समर वेकेशन होमवर्क भेज देता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा के घर पे डीमन वर्ल्ड से वो समर वेकेशन होमवर्क बेलज़ेबुब के लिए पार्सल हो चुका है। तो ओगा कहता है कि ये सब क्या है? तो हिल्डा कहता है ये बेलज़ेबुब के लिए एक समर वेकेशन होमवर्क है, जैसे तुम लोगों को समर वेकेशन होमवर्क मिलता है इस तरह उसे भी समर वेकेशन होमवर्क मिला है। और ओगा कहता है कि ये तो बस एक बच्चा है, ये कैसे समर वेकेशन होमवर्क कर पाएगा। और उसके बाद हिल्डा आशीष संचलन का एक मस्त डायलॉग पेलता है, कहता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ओगा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, हिल्डा को डांटता है, कहता है कि ये सब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी वेकेशन होमवर्क नहीं होगा। तो दिखाता है कि हिल्डा कोई भी बात नहीं सुनता और अपने उंगली अपने कान में डाल देता है। तो हिल्डा कहता है कि आप कोई फ़ायदा नहीं, बहुत लेट हो चुका है, बेलज़ेबुब ने सब कुछ अनबॉक्स कर लिया है, तो अभी इसका होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद दिखाता है कि उस बॉक्स में से 2-3 चीज़ें बाहर निकली है, एक है डीमन पिक्चर डायरी, दूसरा है डीमन मॉर्निंग ग्लोरी पेंटिंग किट्स, और तीसरा है डीमन गैदरिंग किट। मतलब ये 3-4 चीज़ें बाहर से बाहर निकलता है। तो हिल्डा तो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ओगा बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और उसके बाद वो बेथेम को बुलाता है और कहता है कि मैं उसके ज़रिए सब कुछ वहाँ पर वापस भेज दूंगा। और उसके बाद ओगा बेथेम को बुलाता है, दिखाता है कि बेथेम उसके बाद ही वहाँ पर आ जाता है, और दिखाता है कि बेथेम उसके साथ फुरुचि को भी पकड़ के लेकर आया है, और फुरुचि रो रहा है। वहाँ से वो सीधा आके ओगा के पास आ जाता है और कहता है कि तुमने अभी मुझे क्यों बुलाया, उसने पहली बार मेरा ट्रिप ख़राब किया, और अभी हम लोग हमारे फैमिली के साथ गए थे एक हिल पे, और वहाँ पर मैं बहुत सारे लड़कियों के साथ बातें कर ही रहा था, और तभी ये मुझे पकड़ के बाहर से यहाँ पर लेकर आया है, तुम ही कुछ करो, मैं ये और नहीं सह सकता, इस बुढ़े आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो बेथेम के पेट में घुसा रहा होता है, और उसे कहता है कि इन सब चीज़ों को टेलीपोर्ट करके डीमन वर्ल्ड भेज दो, लेकिन वो घुसा नहीं पाता, इसलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद हिल्डा कहता है अब रुको, बहुत हो गया, अगर तुम्हें कोई होमवर्क मिला है तो तुम्हें वो होमवर्क कम्प्लीट करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है, तुम्हें वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं डीमन वर्ल्ड में जो लॉर्ड है, डीमन लॉर्ड है, उसका गुस्सा कितना ज़्यादा खतरनाक है, और अगर एक बार होमवर्क बुक में तुम्हारा नाम आ गया तो तुम्हें वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। और हिल्डा का ये रूप देख के ओगा और फुरुचि भी डर जाता है, और वो लोग भी कहते हैं ठीक है हम लोग ट्राई करेंगे।
तो वो लोग सबसे पहले उस नोटबुक से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि इस नोटबुक में तुम्हें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके बाद ओगा उस नोटबुक को बेल्जेबूब को दे देता है, कहता है कुछ ड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्जेबूब एक पेंसिल लेके उसमें कुछ ड्रॉ करता है, और जो वो ड्रॉ करता है वो उस बुक से बाहर निकल आता है, मतलब जिंदा होकर उससे बाहर निकल आता है। और उसके बाद ओगा कहता है ये क्या है, तो हिल्डा कहता है कि ये एक कैट है, मतलब एक पुसी कैट है। मैं पुसी बोलूँ तो चलेगा ना, सब लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, मैं भी शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ कर रहा हूँ भाई, कुछ और गलत मतलब मत निकालना, मैं बता रहा हूँ। तो ओगा कहता है ये बिल्कुल भी एक पुसी नहीं है, तो हिल्डा कहता है हाँ ये एक पुसी है, और उसके बाद उसके मुंह में उसका तलवार घुसा देता है, मतलब इस एनिमे में कोई भी कुछ भी किसी के भी मुँह में घुसा देता है। और उसके बाद वो लोग उस पुसी को बांध के रखते हैं, मतलब पुसी को बांध के रखते हैं, वाह बहुत बढ़िया। और उसके बाद हिल्डा कहता है कि दो मैं कुछ ड्राइंग करता हूँ, और उसके बाद हिल्डा एक मिल्क बोतल ड्रॉ करता है, उसके बाद वहाँ से एक मिल्क बोतल निकलता है और उसे बेल्जेबूब को देता है खाने के लिए, लेकिन बेल्जेबूब को उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो उन लोगों को समझ में आता है इसमें से जो निकलता है उसका टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल की तरह नहीं होता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद फुरुची कहता है कि मुझे एक बार दोगे वो किताब, मैं एक बार सिर्फ एक ही चीज़ ड्रॉ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार दो, मैं अपनी ज़िंदगी के सारे फेटिश एक ही बार में पूरी कर लूँगा। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही चल रहा होता है, वो किसके ड्राइंग के बारे में सोच रहा होता है। और उसके बाद वो किताब लेता है, लेने के बाद उसमें कुछ ड्राइंग करता है, ड्राइंग करने के बाद उस किताब से कुछ बाहर निकलता है, मैं बता नहीं सकता क्या बाहर निकलता है, तुम लोग देख लो क्या बाहर निकलता है। और जो भी बाहर निकलता है उसे लेके फुरुची अपने मुँह में घिस रहा होता है, पता नहीं क्या ही मज़ा आ रहा था उसे, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है ये चीज़ क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दो, मुझे भी जानना है। और उसके बाद वो लोग एक दूसरा होमवर्क किट खोलते हैं और उसमें से बहुत सारा सामान निकलता है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि इनसे क्या करते हैं। तो ओगा कहता है कि सुनो हम इस प्राणी का क्या करें, तो हिल्डा कहता है सुनो सबसे पहले तो ये कोई प्राणी नहीं, ये एक पुसी है। और ओगा कहता है कि ये किसी भी तरह से एक पुसी नहीं लगता, तो हिल्डा कहता है कि हमारे डिमन वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े पुसी होते हैं, मतलब समझ रहे हो, हाँ बहुत बड़े बड़े पुसी होते हैं, एक एक पुसी 8 मीटर जैसे बड़ा होता है, मतलब क्या ही पुसी होते हैं भाई। तो ओगा कहता है कि यहाँ पर जो बाकी के सारे किट्स है इन सब को हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई जगह नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ें होते हैं, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई खाली जगह नहीं है हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में। तो हिल्डा कहता है नहीं तुम लोग बहुत ज़्यादा गलत हो, ऐसा जगह है तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड में। और उसके बाद हिल्डा उन लोगों को उसके स्कूल में ले जाता है, तो ओगा कहता है स्कूल में क्यों लेकर आए हो, और हिल्डा कहता है कि स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे हरामी लोग आते हैं, जहाँ पर कभी भी पढ़ाई नहीं होती, जहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि स्कूल में समर वेकेशन की छुट्टियाँ चल रहा है, फिर भी वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब सब लोगों को बोरिंग लग रहा था घर पे, तो वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद हिल्डा एक बहुत बड़ा गैजेट निकलता है, निकलने के बाद ओगा को देता है, देने के बाद कहता है कि इन लोगों को पकड़ो, तो ओगा कहता है कि कैसे पकड़ूँ, और उसके बाद हिल्डा कहता है कि तुमको पकड़ना ही पड़ेगा, और उसके बाद ओगा कहता है ठीक है मैं पकड़ता हूँ। और उसके बाद वो उसे लेके मतलब कॉकरोच को मारता है ना, ऐसे लोगों को मार रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है, लोगों का एक फोटोकॉपी मतलब एक जेरोक्स के बाहर आ जाता है। और उसके बाद होगा एक के बाद एक लोगों को मार मार के उन लोगों का जेरोक्स निकलता है, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, हिल्डा कहता है इस तरफ, वो कहता है इस तरफ, होगा जाता है एक एक को मार के उनका जेरोक्स निकलता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें तो एग्ज़ाम के लिए चाहिए ना ये जेरोक्स पेपर, तो हमें एक रेयर और एक स्पेशल जेरोक्स चाहिए। तो उसके बाद दिखाता है कि कांजाकी और हिमिका वहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद ओगा को गैन पेलने लग जाता है कि तू छुट्टियों में यहाँ पर क्यों आया है, लगता है तेरे पास बहुत सारा टाइम है। और उसके बाद ओगा कुछ भी नहीं सुनता, उन लोगों के ऊपर उसे दे मारता है, देने के बाद उनका एक जेरोक्स निकाल लेता है। तो कांजाकी और हिमिका का जेरोक्स भी उन लोगों को पसंद नहीं आता। और उसके बाद बेथिम कहता है कि मुझे लगता है तुम लोगों को एक ब्यूटीफुल लोगों का जो जेरोक्स कॉपी वो लेना चाहिए। और उसके बाद वो दिखाता है कि देखो वहाँ पर सेकेंड फ्लोर पे एक लड़की है, उसका जेरोक्स कॉपी लेकर आ जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि वो और कोई नहीं, वो कुनियेदा है। और उसके बाद ओगा वहाँ पर चले जाता है कुनियेदा का जेरोक्स कॉपी लेने के लिए। और उसके बाद ओगा कुनियेदा के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि आई एम सॉरी, पर मैं अभी तुम्हें कैच करने वाला हूँ, मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ। और कुनियेदा कहता है तुम मुझे पकड़ने वाले हो, कैच करने वाले हो, लेकिन कैसे, क्या तुम मेरे प्यार में गिर गए हो, क्या तुम मुझे लव करने लग गए हो। और उसके बाद कुनियेदा का मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है, कहता है कि रुको रुको मैं अभी प्यार के लिए तैयार नहीं हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, ओगा भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनियेदा भागते भागते स्कूल से बाहर निकलता है, ओगा भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेल्जेबूब है वो ओगा के पीठ में बैठ के कुछ फेंक रहा होता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कुनियेदा को पकड़ने के लिए, लेकिन
वो पकड़ नहीं पाता और कुनिएता वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि मिट्टी में से बहुत अजीब तरह के पेड़ पौधे निकलते हैं और वो पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हो के इंसानों को खा रहा होता है। तो ओगा कहता है कि ये सब क्या है, तो वो लोग कहते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का पेड़ है जो सारे के सारे जिंदा चीज़ों को खाते हैं और खा के जिंदा रहते हैं। अगर तुम उन्हें तब तक खाना दोगे जब तक उनका पेट नहीं भर जाता, उसके बाद वो कुछ भी नहीं करता। और उसके बाद हिल्डा और बेथेम एक और स्पीशीज के बारे में बताता है, एक और पेड़ के स्पीशीज के बारे में बताता है। कहता है कि वो पेड़ इस पेड़ से बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फुर्तीला है और उसमें इतना ज़्यादा ताकत है कि वो बड़े पेड़ों को भी मार डाले। तो ओगा कहता है कि तुम लोगों ने जिस तरह का डेफिनेशन दिया है सेकेंड पेड़ का, लगता है उस तरह का एक पेड़ वहाँ पर है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर उसी तरह का एक पेड़ है। और उसके बाद हिल्डा कहता है कि अगर उस पेड़ के सामने कोई जाता है तो वो पेड़ उसे खा लेता है, खा लेने के बाद वो लाल हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि उस पेड़ के सामने बहुत सारे लोग जाते हैं उस पेड़ को मारने के लिए, लेकिन वो पेड़ उन लोगों को पकड़ पकड़ के खा लेता है। और उसके बाद वो पेड़ धीरे धीरे से लाल होने लग जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा बेथेम वो लोग बहुत सारे गैजेट्स निकलते हैं, कहता है कि यहाँ पर एक चीज़ है जो कि उस पेड़ को मार सकता है। और उसके बाद वो लोग बहुत सारे चीज़ ढूंढने लग जाते हैं और वहाँ पर कुनिएदा कानाजाकी हिमिका भी आ जाता है, उनका मदद करने लग जाता है, लेकिन वो मदद नहीं कर पाते और वो पेड़ एक एक करके सब लोगों को खा लेता है। और आखिर में वो पेड़ बेल्जुएब का जो पुसी होता है उसे भी खा लेता है, मतलब पुसी को ही खा लेता है, पुसी को चाट के खा गया वो। और उसके बाद बेल्जुएब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ओगा और बेल्जुएब एक साथ मिलकर उसका जेबुल स्पेल एक्टिवेट करता है। करने के बाद उस पेड़ के ऊपर एक ज़बरदस्त बार करता है जिससे कि वो पेड़ मर जाता है और उसके अंदर जितने सारे लोगों को उस पेड़ ने खाया था सब लोग बाहर आ जाते हैं। और जब सब लोगों का होश आता है, सब लोगों को ऐसा लगता है कि सब लोग यहाँ पर ग्राउंड पर सो गए थे। और इतना बड़ा खतरनाक बार करने के बाद ओगा और बेल्जुएब को दिखाता है कि वो लोग कहते हैं हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद दिखाता है कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और वो दोनों सो जाते हैं बेहोश होके। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि डीमन वर्ल्ड से उन लोगों के लिए एक गिफ्ट आता है कि उन लोगों ने समर वेकेशन होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एक सर्टिफिकेट आता है और बेल्जुएब के लिए एक मेडल आता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन अगले कुछ एपिसोड में बहुत ज़्यादा एक्शन है, तो तगड़ी तगड़ी एक्शन है, वो तो आप लोग मिस मत ही करना। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।